हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी वंस अगेन। आज आप लोगों को मैं सोच रहा हूं कि लेसन फर्स्ट जो है द एनचेंटेड पूल, उसकी एक्सरसाइज करवा दूं, क्योंकि आपको अभी रीडर बुक में से 3 चैप्टर पढ़ाया गया, 2 कविताएं पढ़ाई गई, 2 सप्लीमेंट्री से पढ़ाया गया, तो कविताओं को तो पूरा करते चल रहा हूँ, सप्लीमेंट्री को पूरा करते चल रहा था। रीडर बुक में केवल पढ़ाया हूँ, इसमें ना तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ना तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखाया हूँ और ना ही एक्सरसाइज करवाया हूँ। तो अब मैं पहले आप लोगों को ये तीनों पाठ की एक्सरसाइज करवा दूं और आंसर लिख करके भी पोस्ट कर दूं तीनों लेसन्स के, जिससे कि आप लोग उसे तैयार करें। चलिए आज फर्स्ट चैप्टर जो है द एनचेंटेड पूल, इसकी एक्सरसाइज हमें करना है। ये मैं राजीव प्रकाशन की किताब लिया हूँ, आप लोग भी राजीव प्रकाशन की किताब लेंगे तो ये बातें मिलेंगी, बाकी दूसरे प्रकाशन में कुछ अलग एक्सरसाइज हो जाएगी, अलग क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहाँ राजीव प्रकाशन पढ़ाया जाता था वही पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी विषय जो है वो राजू प्रकाशन की किताब लेनी पड़ेगी। अगर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिए तथा अपने कॉपी में ये एक्सरसाइज लिख करके रखिएगा। देखिए पहला है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट मतलब चुनिए द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, सबसे अधिक उचित विकल्प को, सबसे अधिक उचित विकल्प को चुनिए टू कंप्लीट पूरा करने के लिए ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रत्येक निम्नलिखित कथनों को, प्रत्येक निम्नलिखित कथनों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक उचित विकल्प को चुनिए। ये देखिए 4 वाक्य दिया गया है और 4 वाक्य में 4 विकल्प दिया गया है, जो विकल्प सही हो, जो ऑप्शन सही हो वही जो है उस खाली स्थान में ले जाकर के लिख देना होगा। पहला है, नकुल वाज सन ऑफ, नकुल वाज नकुल थे, सन मतलब पुत्र बेटा, आप मतलब के किसके पुत्र थे, वो खाली स्थान दिया गया है। नकुल के पुत्र थे, किसके पुत्र थे, 4 नाम दिया गया है, कुंती, माद्री, द्रौपदी, गांधारी। आपको पता है कि नकुल जो थे वो माद्री के पुत्र थे। आप यही वाक्य केवल लिखेंगे, नकुल वाज सन ऑफ, ये माद्री यहाँ खाली स्थान में लिख देंगे, माद्री को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, बस सही हो गया। इन सभी विकल्पों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है,
हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हु हैड कौन रखता था, किसमें थी स्ट्रेंथ ताकत ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों की, 16,000 हाथियों की ताकत किसमें थी, 16,000 हाथियों की ताकत कौन रखता था? तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, चारों में से। आप जानते हैं कि भीम के पास 16,000 हाथियों की ताकत थी, तो यहाँ इसी हु के स्थान पर आप भीम लिख देंगे, हु काट देंगे, मतलब हु निकाल देंगे, यहीं पर लिख देंगे भीम हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। अगला है डॉट 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 इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तेज है। क्या चीज हवा से भी अधिक तेज है? माइंड, मस्तिष्क, सन सूरज, मून चंद्रमा, फायर आग। तो पता चला कि ये माइंड, मस्तिष्क जो है मन, ये हवा से भी अधिक तेज है। आप इसी माइंड शब्द को यहाँ खाली स्थान में लिख देंगे कि माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। चौथा है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, उस एक व्यक्ति का मित्र कौन है, हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है, जो घर पर रहता है उस व्यक्ति का मित्र कौन है? तो सन पुत्र, डॉटर पुत्री, वाइफ पत्नी, फादर पिता। आप लोग जानते हैं यह प्रश्न यक्ष पूछा था युधिष्ठिर जी से, और युधिष्ठिर जी बताए थे कि वाइफ इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। तो यहाँ हु के स्थान पर आप यहाँ हु इज लिखा है, तो ये हु जो है इसी के स्थान पर आप वाइफ लिख देंगे, बस सही हो जाएगा। आप लिखिएगा वाइफ इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। ठीक, इस तरह से ये चारों हो गया। अब दूसरा सेक्शन है, इसमें कनेक्ट से बताइए वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, क्या निम्नलिखित कथनों में से सत्य है या असत्य, मतलब ट्रू एंड फॉल्स आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इन सभी वाक्यों को आप, ये 6 वाक्य दिए गए हैं, अपनी कॉपी में इन 6 वाक्यों को लिख डालिए। ट्रू एंड फॉल्स लिखने का यही मतलब होता है करने का, कि पहले आप इन वाक्यों को लिख डालिए, अब वाक्य का अर्थ समझते जाइए। अगर वाक्य ट्रू है तो यहाँ अंत में आप ट्रू लिख दीजिए, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए। आप लिखेंगे युधिष्ठिर्स वर्दर्स वर वेरी थर्स्टी, युधिष्ठिर के भाई लोग बहुत प्यासे थे, ये ट्रू है। तो आप यहाँ ट्रू के बाद यहाँ लिख देंगे, सॉरी थर्स्टी के बाद फुल स्टॉप के बाद यहाँ लिख देंगे ट्रू, TRUE। फिर दूसरा है यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, यम यक्ष का रूप ले लिया था, यम जो है वो यक्ष का रूप धारण किया था, ये ट्रू है, यहाँ लिख देंगे ट्रू। माद्री वाज मदर ऑफ भीम, माद्री भीम की माँ थी, ये फॉल्स है, आप यहाँ लिख देंगे फॉल्स। चौथा है धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, आदमी का एकमात्र रक्षक धर्म ही है, ये ऐसी बात बताई गई है युधिष्ठिर के द्वारा, इसलिए आप इसे ट्रू लिखेंगे। अगला है युधिष्ठिर्स ब्रदर्स वुड नॉट
कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर के भाईगण पुनः जीवित नहीं हुए, तो जीवित हुए थे, सभी लोग जीवित हुए थे, इसलिए यहाँ इसे लिखेंगे फॉल्स। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द यक्ष। युधिष्ठिर यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। आप लिख देंगे ट्रू, क्योंकि ये सही है, युधिष्ठिर जो है वो यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिए थे। उसके बाद है वोकैबुलरी, मतलब शब्दकोश, शब्द भंडार। इसमें मीनिंग आपको मिलती है, गिव अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का विलोम शब्द दीजिए, निम्नलिखित का विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे एक लकीर खींचेंगे, देखिए ऐसे खींच लीजिए, यहाँ लिखिएगा वर्ड्स, यहाँ लिखिएगा अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। फिर इन शब्दों को लिख डालिए, जैसे सेक्रेड, आप लिखेंगे सेक्रेड। दूसरा क्या है, फैंट, आप लिखेंगे फैंट। तीसरा है मार्न, इस तरह से लिख डालिए। फिर इसके सामने अपोजिट वर्ड लिख दीजिए। सेक्रेड मीन्स पवित्र होता है, तो इम्प्योर या अनसेक्रेड, आप लिख दीजिए अनसेक्रेड, अपवित्र। फैंट माने हल्का, ठीक है, तो डार्क माने गाढ़ा, और मार्न माने विलाप करना, आप लिखिएगा SACRED, सेक्रेड। सेक्रेड माने पवित्र होता है, तो इसका विलोम आप लिखिएगा अनसेक्रेड। इसी के सामने UN लगा दीजिएगा, S स्मॉल लेटर में हो जाएगा। फैंट माने हल्का, तो डार्क माने गाढ़ा, और मार्न माने विलाप करना, तो लाफ माने हंसना, हैप्पीनेस माने खुशी, तो सारो माने दुख, SORROW। बिगेस्ट माने सबसे बड़ा, तो स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, SMALLEST, स्मॉलेस्ट, ठीक। अब देखिए वोकैबुलरी में दूसरा खंड है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में जो शब्द लिखे गए हैं, इन्हीं के माने, इन्हीं का दूसरा, इन्हीं की दूसरी अंग्रेजी लिस्ट बी में भी लिखी गई है, लेकिन वो आमने सामने नहीं लिखे गए हैं। आपको मैच करना है, आमने सामने ले जा करके लिख देना है। लिखना कैसे होगा, पहले आप लिखेंगे लिस्ट ए, लिस्ट बी। अब लिस्ट ए के नीचे जितने शब्द दिए गए हैं, लिस्ट ए के नीचे ये जितने शब्द दिए गए हैं, प्रोसीड, सेक्रेट, रेस्क्यू, मॉर्न, शील्ड, रुइन, इन सब को लिख डालिए, ठीक। इन सब को आप पहले लिख डालिए, फिर उसके बाद अब देखिए कि प्रोसीड माने आगे बढ़ना, प्रोसीड माने आगे बढ़ना, तो इसमें बी में किसके माने आगे बढ़ना है, पता चला, ये जो है चौथा, टू गो फॉरवर्ड, आगे जाना, आगे बढ़ना। ये टू गो फॉरवर्ड जो है वो प्रोसीड के सामने यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक। आप प्रोसीड के सामने यहाँ लिख देंगे टू गो फॉरवर्ड, और सेक्रेड माने पवित्र, सेक्रेड माने पवित्र, तो अब इसमें देखिए किसके माने पवित्र होता है, पता चलो हॉली माने पवित्र, तो सेक्रेड के सामने आप यहाँ हॉली लिख दीजिएगा। रेस्क्यू माने बचाना, रेस्क्यू माने सुरक्षा करना या बचाना,
इसमें सेब माने, हाँ सेब माने बचाना होगा, ठीक। रेस्क्यू के सामने आप सेब लिख देंगे। मॉर्न माने बिलाप करना, तो इसमें किसके माने बिलाप करना होता, एक्सप्रेस सारो, दुख व्यक्त करना। मॉर्न के सामने आप एक्सप्रेस सारो लिख देंगे। शील्ड माने रक्षक, रक्षा करने वाला, तो प्रोटेक्शन माने रक्षक, सुरक्षा। आप शील्ड के सामने प्रोटेक्शन लिख देंगे, सही हो जाएगा। रुइन माने बर्बाद करना, तो डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, बर्बाद करना। रुइन के सामने आपको डिस्ट्रॉय लिखना होगा। अब देखो इसी का दूसरा खंड है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। वही काम इसमें भी करना है, लिस्ट ए के शब्दों का अर्थ बी के शब्दों से मिलाइए। तो ए के सामने, मतलब ए के नीचे जो शब्द हैं इनको आप लिख डालिए पहले, फिर एनेक्जिटी, एनेक्जिटी माने चिंता या उद्वेग, तो इसमें जिसके माने चिंता या उद्वेग होता है वही आप उसके एनेक्जिटी के सामने आप लिख देंगे, यही है अंतिम वाला। फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की भावना, एंड फियर और डर की भावना अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में अनिश्चितता और डर की भावना को एनेक्जिटी कहते हैं। तो एनेक्जिटी के सामने आप इसे उठा करके यहाँ लिख देंगे जहाँ बर्न इनटू फायर लिखा। रेसेम्बल मतलब समान होना, तो बी के नीचे टू लुक लाइक, टू लुक लाइक समान दिखाई पड़ना। क्रिमेटेड माने दाह संस्कार किया, तो बर्न इनटू फायर, बर्नड इनटू फायर आग से जला दिया। स्कल्पचर माने कारीगरी, तो आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, पत्थर को तराशने की कला। ये स्कल्पचर सामने आप आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग ये लिख देंगे। इस तरह से ये चार हुआ। और इसी का तीसरा खंड है, देखो मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। वही काम इसमें भी करना है, पहले आप इन शब्दों को लिख डालिए लिस्ट ए के नीचे के शब्दों को, अब बी के नीचे के शब्दों को ए के सामने, मिस्ट्री माने जैसे होता रहस्य, तो इसमें जिसके माने रहस्य होता है वो मिस्ट्री के सामने ले जा करके लिख दीजिए। मिस्ट्री माने रहस्य, तो इसमें सेक्रेट माने रहस्य होता है, मिस्ट्री के सामने यहाँ सेक्रेट लिख दिया जाएगा। और एज माने किनारा या अंत, तो एंड माने किनारा या अंत। फेमिलियर माने परिचित, तो नोन माने परिचित, फेमिलियर के सामने आप नोन लिख देंगे यहाँ पर। ग्रेविटी माने गंभीरता, तो सीरियसनेस माने गंभीरता, ग्रेविटी के सामने आप यहाँ सीरियसनेस लिख देंगे। इस तरह से ये भी हुआ। और इसी का चौथा खंड है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। काम वही करना, मैचिंग वर्ड ही है, पहले लिस्ट ए लिख करके उसके नीचे के सभी शब्दों को लिखो, यूनिक ट्रूली रिलक्टेंट पॉज्ड। ये रिलक्टेंट शब्द 2020 में आया था इसलिए हमने देखो मार्क करके लिख दिया। यूनिक माने अनोखा या अद्वितीय, तो बी में किसके माने अनोखा होता है, बी में यहाँ ये जो तीसरा लिखा है, बीइंग द ओनली वन, एकमात्र होना, ऑफ इट्स टाइप, ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का, अपने प्रकार का एकमात्र होना मतलब अनोखा। तो यूनिक के सामने आप यहाँ पर जहाँ रियली लिखा है वहाँ पर लिख देंगे बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ट्रूली, ट्रूली माने सच्चा, तो रियली
वास्तविक, ट्रूली के सामने आप लिख देंगे रियली। और है रिलक्टेंट माने अनिच्छुक, तो इसका सिनोनिम आप है नॉट विलिंग। सिनोनिम इसकी मतलब पर्यायवाची, इसके सामने आपको लिख देना है नॉट विलिंग। और पॉज्ड माने रुका हुआ, तो स्टॉप्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए रुका हुआ। पॉज्ड के सामने आप स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम लिख देंगे। इस तरह से देखो मैचिंग वर्ड चार खंडों में दिया गया था और 16-17 शब्द है, 18 शब्द है शायद, हाँ जबर 18 शब्द है, तो 18 दिन 36 शब्द आपको मिल गए इस मैचिंग वर्ड में। आप इन सब को अपनी कॉपी में व्यवस्थित करके रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद की एक्सरसाइज आपको हम कल करवाएंगे अगले वीडियो में। आज इतना, आप अपनी कॉपी में तैयार करके रखिएगा। धन्यवाद।